क्या सैड एंडिंग होगी इस फिल्म की, और क्या पूजा हेगड़े का कैरेक्टर नहीं रहेगा जिंदा, क्या मैदान के साथ कर रही है ये फिल्म क्लैश। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भाई बाहुबली प्रभास दिखने जा रहे हैं एक लव स्टोरी में। देवसेना के साथ एक खूबसूरत केमिस्ट्री में दिखे गए बाहुबली, अब वही बाहुबली विक्रमादित्य का रूप लेकर आने वाले हैं अपनी एक लव स्टोरी जिसका नाम है राधे श्याम। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं इस फिल्म में प्रभास दिखेंगे विक्रमादित्य के किरदार में और उनके ऑपोजिट होंगी पूजा हेगड़े जो निभाएंगी रोल प्रेरणा का। दोस्तों ये बात अनजानी नहीं है कि प्रभास के फैंस बाहुबली साहो सलार के बाद तरस गए हैं उनको एक लव स्टोरी में देखने के लिए, और खुद प्रभास भी बहुत अरसे से एक रोमांटिक फिल्म करना चाहते थे जो उन्हें अब जाकर मौका मिला है करने का। तो दोस्तों राधे श्याम टाइटल से जुड़ा है दो नाम जिसकी प्रेम कहानी है इंडियन हिंदू मिथोलॉजी में काफी मशहूर, और इस पर रचनाएं भी कई की गई हैं। तो दोस्तों इन दोनों के प्रेम कहानी को आधार बना के, लेकिन दोस्तों अब राधे श्याम यानी राधा और कृष्णा जिनकी प्रेम कहानी अधूरी होकर भी पूरी थी और सबके लिए एक मिसाल भी थी, तो इसी राधा और कृष्ण की केमिस्ट्री को रूपांतरित करके दिखाया जा सकती है इस फिल्म में। तो दोस्तों और हम आपको बता दें कि ये सिर्फ दिखाई ही नहीं जाएगी बल्कि यही होने वाला है इस मूवी का कर्स। तो दोस्तों राधे श्याम की क्लाइमेक्स की बेसिक प्लॉट हो गई है लीक, और राधे श्याम का क्लाइमेक्स यही है कि इस फिल्म की एंडिंग दिल को रुला देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पूजा हेगड़े का कैरेक्टर प्रेरणा इस फिल्म में अंत तक नहीं बचने वाली है। बाहुबली सीरीज में फैंस को काफी दुख पहुंचाने का प्रभास के कैरेक्टर अमरेंद्र बाहुबली ऐसे अंतर्युद्ध और ईर्ष्या का शिकार हुए कि वो ना ही अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त गुजार पाए और ना ही वो अपने बेटे को भी एक नजर देख पाए। अगर ऐसा ही कुछ राधे श्याम में दिखाया गया तो प्रभास के फैंस आप तैयार रहिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए, क्योंकि ये मूवी इंटेंस होने के साथ साथ बहुत रुलाएगी भी। ये फिल्म प्रभास अनुष्का शेट्टी स्टारर मिर्ची जैसे स्वीट एंड सिंपल नहीं होने वाली है। तो दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के डार्लिंग प्रभास के हाथ में बैक टू बैक टॉप प्रोजेक्ट्स हैं पर जिन पर वो अभी काम कर रहे हैं, और पूजा हेगड़े की फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर जल्द ही आने वाली है स्क्रीन पर। तो दोस्तों बता दूं कि राधे श्याम होने वाली है रिलीज 30 जुलाई 2021 को, लेकिन ये डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और ये फिल्म दशहरा को भी रिलीज हो सकती है। अगर दोस्तों ये फिल्म दशहरा को रिलीज हुई तो डायरेक्ट अजय देवगन स्टार मैदान के साथ ये फिल्म क्लैश करेगी। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं राधे श्याम के लिए, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।